लार्ज इंडियन सिविट एकमात्र भारत में ही पाई जाती है। एक वक्त ये भारत में विपुल मात्रा में पाई जाती थी। आज इनकी संख्या ना के बराबर है। ये निशाचर जीव प्रजातियों में से है। पहले के वक्त में ये छिपके लोगों के आंगन में घुस के उनके सारे फल खा जाते थे। इनके आते ही वो जगह बासमती राइस के सुगंध से भर जाती थी और इसी कारण से बंगाल में इनको गोंधो कुकुल कहा जाता है। इसके अलावा भी बंगाल में और भी बहुत सारे स्थानीय नाम से इसे जानी जाती है, जैसे बागडाश, खटास एक्सेट्रा। ये सिविट प्रजाति दिखने में भी बहुत ज्यादा आकर्षक होती है। ये दिखने में तो एकदम नेवले जैसे होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर बहुत खूबसूरत कलाकृतियां बनी होती है। गर्दन के दोनों तरफ ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स इनको बहुत ज्यादा अनोखी बनाती है। इनकी पूंछ भी बिल्कुल टाइगर जैसी होती है। इनका मेटिंग सीजन अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीनों तक होती है। बसंत ऋतु में ये अपने बच्चों को जन्म देती है। आमतौर से 2 से लेकर 3 तक बच्चे जन्म देते हैं। ब्रीडिंग के वक्त नर अपनी वही खूबसूरत सुगंध को फैला के मादाओं को आकर्षण करती है। इनको लेके बहुत से लोक कथा प्रचलित है। इनमें से एक है कि पहले के जमाने के लोग ये मानते थे कि सिविट्स अपनी पूंछ तालाब के पानी में डुबो के अपना सुगंध उस पानी में फैलाते थे और इसी सुगंध को सूंघ के मछलियां इनके पास आ जाती थी और ये उनका शिकार कर लेते थे। पर ये तथ्य बिल्कुल भी सही नहीं है। इनको पानी में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्लियों की तरह। बिल्लियों की तरह आचरण रहने की वजह से भी और इनका जीन बिल्लियों से मिलता भी है, जिस वजह से इनको इंडियन सिविट कैट्स भी कहा जाता है। पहले इनका देखे जाना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल था। खुले मैदानों में ये पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान काल में ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने के कारण इनके विचरण क्षेत्र की कमी पड़ गई है। इसके अलावा भी ये खेतों में घुस के पहले फसल नष्ट कर देते थे, इसलिए किसान खेतों में जहर देके इनको मारते थे। खेतों के आसपास इनका बसेरा दिख जाए तो इनको बहरहमी से मार दिया जाता था। और एक जो मेन रीजन है, कस्तूरी मृग जैसे लार्ज इंडियन सिविट्स के भी पेट के पास एक ग्रंथि में सुगंध पाई जाती है, जिसे लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए भी इनको काफी तादाद में मारी गई है। वर्तमान में ये सुगंधी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है। फिर भी लोग आज भी इनको मारते आ रहे हैं। भारत में इनकी संख्या 2000 से 4000 तक हो गई है। IUCN ने भी इनको रेड लिस्ट में शामिल किया है।